आज स्वास्थ्य की समस्या बहुत जटिल हो रही है और इन दिनों में बहुत लोग आए शोक निवारण के लिए। पता चला, पूछा कि भी क्या हुआ, कि कुछ नहीं, बैठा था, बैठे बैठे बस क्या हुआ कि हार्ट फेल। ये हृदय की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, डॉक्टर मनचंदा जो प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं कहते हैं कि कुछ वर्षों में 10 करोड़ लोग हृदय की बीमारी से दिख तो रहा है कि बहुत लोग छोटी छोटी 40-50 वर्ष बस बैठे बैठे गुड़ गए। जैसे कि आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है, क्योंकि उसमें अभिलाषा बहुत है। अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा तनाव पैदा करती है। तो अभिलाषा का एक वर्गीकरण किया, प्रथम मसन पान है, सबसे पहले तो रोटी पानी की अभिलाषा आदमी में रहती है और स्वाभाविक है। तो रोटी और पानी, तदनु बसन वेशमा, और तीसरी अभिलाषा है कपड़ा अच्छा मिले, चौथी घर मिले। तो रोटी पानी, कपड़ा और ये चार, इसके बाद फिर संतुष्ट नहीं होता। रोटी मिल गई, पानी मिल गया, घर कपड़े मिल गए, घर मिल गया, तो फिर अलंकरण चाहिए, आभूषण चाहिए। बहुत बड़ा धंधा आभूषणों का चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है। सूरत में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले जानते हैं कि हीरों का बाजार कितना गर्म हो जाता है कभी कभी। तो आभूषण चाहिए, तो इसमें आभूषण में भी व्यग्र हो जाता है, व्याकुल, एक व्याकुलता पैदा करती है कि कितना बढ़िया गहना और कितना बढ़िया बनाऊं, कितना बड़ा बढ़िया पहनूं। छठी बात, विवाह की बात, वह भी एक समस्या, अभिलाषा भी समस्या भी। उसके बाद संतान प्राप्ति की आकांक्षा, और उस उन सबसे आगे सबसे ज्यादा प्रबल इष्ट इंद्रियों का भोग। पांच इंद्रियां, उनका इष्ट भोग मिले, अच्छा शब्द सुनने को मिले, अच्छा रूप देखने को मिले, अच्छा रस खाने को मिले, अच्छी सुगंध वाली वस्तुएं सूंघने को मिले, और अच्छे अच्छे स्पर्श मिले। ये पांच इंद्रियों के पांच इष्ट विषय, उनके लिए व्याकुलता बनी रहती है।